आज मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम इलेवन के बारे में। ड्रीम इलेवन से आपको पता ही होगा कि जिससे आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको मेंशन किया है, गारंटी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, आप वो जो विनिंग अमाउंट है वो आप कमा सकते हैं। लेकिन इसके 3 स्टेप हैं जो मैं आपको बताऊँगा, वो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन कर सकते हैं। पहला जो है, आपको क्रिएट ड्रीम करनी है, जैसे आपको बताए जो भी आपकी फेवरेट टीम है उससे आपको लेना है, या फिर जो आपको दो टीमों के बीच में से प्लेयर्स सेलेक्ट करने होते हैं, ये बेसिक रूल आपको पता है। और उन टीम के प्लेयर्स पे आप बैट लगाते हैं। बैट लगाने का मतलब मेरे उससे ये हो जाता है कि आप उसको सेलेक्ट करते हैं, वो जितने रन्स या विकेट या जो भी वो आप परफॉर्मेंस देगा तो उसके हिसाब से उसे पॉइंट मिलते हैं और वो अर्न करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। और तीसरी चीज़, जब आप पैसा लगाते हैं तो आप वो पैसा हारने वाले हैं। जी हाँ, आप पैसा हारने वाले हैं। इस वीडियो में भी इस पूरी चीज़ को बताने का मतलब मेरा यह है कि आप जो पैसा लगाने वाले हैं वो आप बिल्कुल हारने वाले हैं। लेकिन जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ उसमें आपको 90% से ऊपर चांस है आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कुछ अमाउंट में आएगा। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना अमाउंट आपके पास में ज़रूर आएगा। तो वो चीज़ें कैसे होगी और उसके बाद जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक बता देते हैं। 11-11 प्लेयर होते हैं दोनों तरफ में। 11-11 प्लेयर में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपने कोई प्लेयर लिया, अच्छे प्लेयर लिया, बिल्कुल अच्छे प्लेयर लिया, मतलब उन्होंने रन भी मारे, सब कुछ करे, लेकिन कहानी कहाँ ख़राब होती है कैप्टन और वाइस कैप्टन में। कैप्टन जो भी बनाते हैं आप, वो जो भी परफॉर्मेंस कर रहा उसके पॉइंट डबल हो जाते हैं। वाइस कैप्टन जो कमाता है उसके 1.5 के हिसाब से हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक थ्योरी बनाई है, जिसके हिसाब से आपको क्या करना है, जो 11 के 11 प्लेयर हैं अपनी टीम के भी और उस टीम के भी, तो दोनों को कैप्टन बनाना और दोनों को ही वाइस कैप्टन बनाना। कौन क्या परफॉर्मेंस कर जाए आपको खुद नहीं पता, आप बस सिर्फ इंजेक्शन लेते हैं उसके पुराने उस डाटा को लेकर कि ये परफॉर्मेंस कर जाएगा। लेकिन मैच बिल्कुल अनिश्चितताओं का गेम होता है जो कहीं पे भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा मेन मतलब ये है कि अब मैं इस ट्रिक को आपको बताने के बाद, आप जैसे स्लाइड में देख रहे होंगे 11-11 प्लेयर करके, मतलब आप बनाएंगे एक को 11 कैप्टन, इसमें बनाया 11 उसको बनाया, तो ये 121 एक टीम हो जाती है। फिर यही चीज़ आप सेम उसमें करते हैं तो यहाँ पर भी 121 टीम हो जाती है। फिर उसके बाद आप उस वाली टीम को ले कर कैप्टन करके इसमें वाइस कैप्टन करते हैं, तो ऐसे करके ये डबल कुछ आंकड़ा बन जाता है। मोटा मोटे कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो टीम बनानी होगी वो बनानी है आपको 9-6-8 टीम बनानी है, ठीक है। आप इसको पहले प्रैक्टिकली वे में लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसी चीज़ पॉसिबल है। आपको ये लग रहा होगा कि 968 टीम मैं अकेले कैसे बना सकता हूँ, तो मैंने इसके लिए भी एक कंजम्पशन बनाया। 968 की जो आप टीम बनाएंगे उसमें आप एक बंदा 6 टीम बना सकता है, तो मैंने इसको 6 से डिवाइड करा है। 6 से डिवाइड करने के बाद आपको कम से कम 162 इंडिविजुअल चाहिए जो ये आपको 968 टीम बना के दे, ठीक है। अब जो आप विनिंग अमाउंट जो आप खेलेंगे वो मेरे ख्याल से रेट रहता है 49 रुपीज़ के हिसाब से, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी 49 रुपीज़ के हिसाब से 48,400। तो मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 50,000 रुपये का आपका खर्चा आता है, ठीक है। खर्चे से बात आई, आपने इतना लगाया और विनिंग अमाउंट होता है 5 करोड़ के आसपास, जिसमें से आप मान लीजिए आपका मरे मरे कुछ भी नहीं हुआ तो 1 लाख अमाउंट भी अगर आपका आया तो आपका रिटर्न ऑफ, एक तो आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई वो भी आपका वापस आ गया और 50,000 उसके ऊपर भी आ गए, ठीक है। अब कहानी क्या आती है कि आप इसमें मेन चीज़ क्या हो जाएगी आपके लिए, 161 मतलब इंडिविजुअल होने का मतलब ये नहीं कि एक बंदा कितनी भी आए उसके पास सिर्फ इंडिविजुअल एक आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको पता है पैन कार्ड और आधार कार्ड लगता है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर देता है, ठीक है। अब अगर सपोज़ कीजिए आपने 161 बंदे हायर भी कर लिए और पर बंदे को आपने 10,000 रुपये भी दे दिए, तो मोटा मोटी आपका खर्चा मान लीजिए 2 लाख के आसपास में आ गया, 2 लाख के 2 या 2.5 लाख के आसपास आपका खर्चा आ गया इनको बनाने में। और अगर आप 5 करोड़ वाली लीग खेल रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको 3-4 लाख रुपए से कम मिलने वाले हैं, क्योंकि वो रैंक आपकी अच्छी खासी करेगा। और वहाँ पे अगर बाय चांस
अगर बाई चांस ऐसा बंदा मार गया जिस बंदे से उम्मीद भी नहीं गई, तो आपके पास वो 5 करोड़ का अमाउंट भी आ सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल वे में सोच के करेंगे। आपने अगर इन बंदों को हायर किया, 161 को किया, ये भी किया, लेकिन अब इसमें दिक्कतें क्या आने वाली है वो अभी हमने अच्छी बातें सारी कर ली कि आपने 9968 की आपको टीम बनानी है, बाद में क्या करना है आपको 161 बंदे आपको इकट्ठा करने जिनके पास आईडी हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो, उनसे आईडी बनवानी, उनसे 6-6 टीमों की बनवानी है, ठीक है। अब मुश्किल काम क्या आता है, पहला मुश्किल काम तो ये आता है 968 टीम आप इतनी जल्दी बनाएंगे कैसे, उसका भी मैं सलूशन दे देता हूँ। आप एक शीट प्रिपेयर कर लीजिए, अब पर इंडिविजुअल उसको ऐसे एल्गोस का सेट कीजिए कि वो 161 बंदों के पास में जा जाए कि वो 6-6 टीमें करके बना ले, ठीक है। फिर दूसरी कहानी ये आती है कि चलो 968 बंदों की हमने टीम बना भी ली, तो बात आती है 161 बंदे आप लाएंगे कहाँ से जिस पे आप ट्रस्ट कर पाए। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, पहली बात तो इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद अगर इनमें से एक बंदा भी जीत गया, क्या वो आपको आपके पैसे वापस ला के देगा? जाहिर सी बात है, अगर मैं जीतूँगा मैं तो खुद ही नहीं दूँगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, इससे खेला जाता है कंपनियों का मेन खेल। ये ड्रीम इलेवन को कोई जानता नहीं था, आज स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल को। क्यों स्पॉन्सर कर रहा है भाई, क्या उसके पास इतना पैसा, फालतू पैसा आ रहा है, चाइना वालों को हटा दिया इसलिए इसके पास इतना पैसा नहीं। हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके हमको बेवकूफ़ बना के, आपको क्या लगता है ये नए जो आप 5 करोड़ की लीग जो खेलते हैं उसमें कितने बंदे, 10,000 से ऊपर ही रहते होंगे। 10,000 बंदे मेरे ख्याल से अगर 50 भी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 लाख ही होते हैं बंदे, 1 लाख होंगे तभी जाके वो 1 या 10 लाख बंदे होंगे तब जाके वो 50 रुपये के हिसाब से 5 करोड़ की लीग बना पाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये 968 टीम वो आराम से बना नहीं सकते फेक आईडी करके? उन्होंने फेक आईडी बनाई, कम से कम बंदे को पैसा दिया और बस हमारा बनाया फुद्दू। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप अगर बना सकते हैं तो 968 वालों की टीम बना लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 11-11 बंदे उनके वाइस कैप्टन और कैप्टन कीजिए, और बाकी चीज़ क्या करना है, 961 बंदे आपको इकट्ठा करने। अगर तुमने 10,000 रुपये के हिसाब से भी दिया तो 1,61,000 रुपये उनको देना पड़ जाएगा, 10,000 के हिसाब से भी देते हैं तो। और सेकंड चीज़ आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 50,000 का, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट ऐसा जाएगा और ये गारंटीड पैसे आपके पास में आएंगे। लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ये चीज़ क्या ड्रीम इलेवन वाले बंदे या जैसे इसके इसके रिलेटेड जो भी साइट्स जो हैं वो बना नहीं सकते, वो सिर्फ हमसे पैसा जनरेट करते। आप सपोज़ कीजिए जो 10 लाख बंदे आ रहे हैं, 50 रुपये के हिसाब से 5 करोड़ की लीग बन गई, अब उसमें से वो कहते हैं कि कुछ बंदों को हमने फ्री में दे दिया, मतलब मेरे ख्याल से लगता है कि 10 लाख के जो वो बंदे आ रहे हैं वो पूरे ही के पूरे वो आ रहे होंगे, उसमें से 1 लाख नहीं आ रहे होंगे, तो फिर भी 4 करोड़ के आसपास में जो रुपए वो दे रहे हैं वो टोटल मान लीजिए 90% पैसा इनके पास में जाता है, मतलब समझिए 3 करोड़ 80 लाख के आसपास में इनके पास में अमाउंट जाता है। तो मोटा मोटी मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ, जब मैंने इसमें कह दिया गारंटेड आपको चीज़ें करनी है मिलेगी, गारंटी चीज़ तो मैंने आपको बता दी, आप बना लीजिए टीम आपको पैसे मिल जाएंगे, फिर भी मेरा मेन मतलब और गोल यहाँ पे ये है कि जो ड्रीम इलेवन और उसके रिलेटेड जो भी जैसी साइट्स हैं वो सिर्फ आपसे पैसा निकाल लिया। और पर्टिकुलरली बात यहाँ पे मेन ये आ जाती है कि आपके पास में जो कहते हैं ना टाइम है, टाइम ही पैसा है, वो आपका टेंशन पाती है। ड्रीम इलेवन वो जब लेके आती है तो वो उसको स्पॉन्सर हो रहा है, फिर आप कहते हो फिर वह एक किसी किसी बंदे की गंदी से शक्ल ला देते हैं फेसबुक पे, इसने 1 करोड़ कमाया, इसने 10 लाख कमाया करके आपको बस आकर्षित करते हैं। और अगर आपने 10वीं तक अगर मैथ पढ़ी होगी तो प्रोबेबिलिटी का नाम से भी आपने सुना, अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जगह पे जब आप 52 ताश के पत्ते जब यूज़ करते हैं उसमें से अगर आप एक पत्ता आपने चुना जैसे किंग ऑफ हार्ट्स जो आपने चुना, उसकी प्रोबेबिलिटी आने का होता है 1/52।
तो उसने अपने पास अपने 51 तास रखे, अगर एक आध पत्ता जाता भी है तो वो उसे पता है मैं 52 टाइम्स बाद भी इस पैसे को आराम से कमा लूँगा। इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि अब मैं बात करने वाला अपने मेन टॉपिक के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है जो हमें स्टॉक मार्केट में दे। अब तुम कहोगे स्टॉक मार्केट में जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। अब भाई तुम 4-5 घंटे का जो मैच देखते हो तो उसमें तुम कुछ अपनी एक्टिविटी सीख लो जिससे तुम अच्छा खासा अपना पैसा कमा सको। क्या फालतू का मैच देखते हो, 4-5 घंटे का मैच उसमें देखा, आप फिर देखा उसके पर्सनल लाइफ के बारे में देखा कि पर्सनल लाइफ में वो बंदा क्या कर रहा, कौन सी बंदी बता रहे कि किसको प्रेग्नेंट करा किसको नहीं करा, ये सब चीज़ें तुम देखते हो। ठीक है, अब तुम कहोगे ये पैसा देश में जाता है, हम बड़े देशभक्त हैं। अरे बहुत बड़े देशभक्त, मैं बता रहा हूँ इंडिया में जो लोग हैं वो सिर्फ में इसमें से 1-1% जो लोग हैं देशभक्त हैं, बाकी सब अपने सर्वाइकल के लिए जी रहे हैं और कुछ ज़्यादा उनका कुछ नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ में भी नहीं जाता, यहाँ पर सिर्फ मैं अपने मेन बच्चे की बात करने वाला हूँ। चलिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपने ये पैसा कमा भी लिया, ठीक है बहुत अच्छी बात है आपने पैसा कमा भी लिया। आपको वो याद है जो करोड़पति में आया था अमिताभ बच्चन के साथ में, उसने जब 5 करोड़ का अमाउंट जीता तो उसके पास में कुछ 3.5 करोड़ आए थे, तो वो पूरा पैसा खो चुका है अभी तक अपने पास, और वो जो पुरानी जॉब करता है उसी जॉब को वो कर रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला, बंदे को फाइनेंशियल एजुकेट होना पड़ता है, जो आपके पास में पैसा उसे सेव करना और उसको बढ़ाना भी आपको आना चाहिए, ताकि उसे खर्च करके फिर वो जो जिस जगह पे आप हैं वहीं पर आप आ जाए। तो मेन टॉपिक पे आते हैं, वो अपने ड्रीम इलेवन का अगर भूत उतरा है तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ जो मैंने आपको बोला 4-5 घंटे आप जो यूज़ करते हैं, वो 4-5 घंटे अगर आप मार्केट आवर में दे देंगे या कुछ चीज़ सीखने में दे देंगे तो आपके पैसे को वो बढ़ाने के लिए काम ही आएगा। फिर बाद में देखते रहिएगा, जाके वहीं जाके देखिए मैच है, क्योंकि रोज़ 52 के जितने जितने मैच आते पूरे के पूरे देखने का, आप जाके देखिए मैच है। तो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसीनो। हाँ, जैसे ड्रीम इलेवन खेला है कैसीनो वाले भी वैसे ही काम करते हैं। अब कैसीनो वाले का भी वैसे सीन होता है जैसे मैंने 52 डेकेड्स का आपको बताया था, इनके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, अगर वो 1% भी लूज़ करते हैं तो उनके पास 52 टाइम्स रिटर्न पाने का आराम से जरिया होता है। ठीक है, और ड्रीम इलेवन का मैंने आपको बताया जैसे कि उनके पास सॉफ्टवेयर आराम से वो बना सकते हैं पूरी तरह से।